बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साइंस क्लास सिक्स शॉर्ट कंसेप्ट ऑनलाइन अकेडमी की तरफ से जो गेस्ट पेपर है स्कूल बेस्ड असेसमेंट के, वो आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर कहा जा रहा है हाउ मैनी सेल्स आर प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, 50 to 60। इसका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, 4 का ऑप्शन नंबर जो बी है, 5 का ऑप्शन नंबर डी है, 6 का ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। जैसे हम आपके साथ इसके आंसर शेयर कर रहे हैं, आप लोगों ने इनको लाजमी तैयार करना है। ये बहुत ही अहम गेस्ट पेपर है जो कि पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका दुरुस्त जवाब है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे दुरुस्त जवाब है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट पेज की तरफ जाने से पहले, आप ऐसे कोई दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि मजीद नई ऐसी वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट मेरे पास जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे डी इसका दुरुस्त जवाब है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है डी है सॉरी इसका दुरुस्त जवाब है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है, 14 का ऑप्शन नंबर सी, 15 का ऑप्शन नंबर डी, 16 का ऑप्शन नंबर बी, 17 का ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है, 19 का ऑप्शन नंबर सी और 20 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, 21 का ऑप्शन नंबर ए, 22 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 23 का ऑप्शन नंबर बी और 24 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट 25 का ऑप्शन नंबर जो सी वो दुरुस्त जवाब है, 26 का ऑप्शन नंबर सी, 27 का ऑप्शन नंबर सी, 28 का बी ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 29 ऑप्शन नंबर ए, 30 का ऑप्शन नंबर सी, 31 का ऑप्शन नंबर सी और 32 का भी ऑप्शन नंबर सी ही दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इसका ऑप्शन नंबर जो बी रखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। इस पेज के अंदर कुछ एमसीक्यूज़ का जो मार्क है वो आई थिंक कुछ गलत है, आप लोगों ने ये अपने टीचर से या फिर बुक से इसको पहले देख लेना है जस्ट इस पेज के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपने तारीफ करनी है इन एनिमल सेल, दी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड दिस सेल मेम्ब्रेन्स, इट इज पार्शियली परमेबल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। जानवरों के सेल में सब सेल का सबसे बिरूनी हिस्सा सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, ये जुजवी तौर पर गुजरने देता है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपने बताना है राइट द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड बोन सेल, तो यहाँ पे आपके सामने इनके आंसर दिए हुए हैं, आप लोगों ने इसको तैयार कर लेने हैं। ये बहुत ही अहम गेस्ट पेपर है जो आप लोगों के सामने शेयर किया जा रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास है व्हाट इज केमिकल डाइजेशन, राइट द नेम ऑफ एन वन एंजाइम इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल डाइजेशन क्या है, खुराक डाइजेशन में शामिल एक एंजाइम का आपने नाम लिखना है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे ये उर्दू मीडियम में इसका आंसर दिया हुआ है, आपका जो मीडियम आप लोगों ने वो तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के अंदर जी, मादे में गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है वो आप लोगों ने बताना है, यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर जो आंसर वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आया है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, आपने पहले प्लांट सेल बताना है फिर आपने एनिमल सेल बताना है, आंसर आपके सामने उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। नेक्स्ट आपने मिक्सर की कोई सी दो मसाले देनी है, नमक और पानी के मिक्सर को कैसे अलग कर सकते हैं, आंसर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है चार्ज की खसूसियात लिखिए, तो उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के चार इस्तेमाल आप लोगों ने बताने हैं, उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तारीफ और मिसाल से वजात करनी है, यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तारीफ करनी है, यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपने मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ करें और बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस को भी डायग्राम बनानी है आपने, तो आंसर जो है वो आपके सामने ये शेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट आपने आपके पास पोल्स की पहचान के बगैर बार मैग्नेटिस है, आप इसके शुमाली और जनूबी पोल्स की शिनाख्त कैसे करेंगे, आंसर आप लोगों ने ये जो दिया हुआ है ये वाला लिखना है। नेक्स्ट है जी सीरीज सर्किट में बल्ब की चमक को मुतासर करने वाले अवामल की अपने वजाहत करनी है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है जो आप लोगों ने तैयार करना है। पौधे के सेल्स में क्लोरोप्लास्टिक के किरदार की वजाहत करनी है, आपने रोल अदा करना है, आंसर आपके सामने ये आ चुका हुआ है। और नेक्स्ट इंसानी जिसमें डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, आंसर आपके साथ शेयर किया जा रहा है, आप लोगों ने बुक से आंसर तैयार किया हुआ है तो आप बुक वाला भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो हम आपके साथ आंसर शेयर कर रहे हैं आप लोग ये भी कर सकते हैं। आप लोगों ने ये गेस्ट पेपर लाजमी तैयार करने हैं, ये गेस्ट पेपर पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पौधों के कोई से दो ऑर्गन्स के नाम लिखे और पौधों में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है। नेक्स्ट जी पोटेंशियल एनर्जी की आपने तारीफ करनी है, कोई से तीन किस्म के मसनू सेटेलाइट के नाम लिखने हैं और काम्स कहाँ से आते हैं, इसके तीन हिस्सों के आपने नाम भी बताने हैं, या इंग्लिश मीडियम के अंदर भी सवालात लिखे हुए हैं।
नेक्स्ट अपने छोटी और बड़ी आंत एलिमेंट्री के नाल के हिस्से हैं, इनके अफाल आप लोगों ने बताने हैं और उसके आगे आ जाएगा कब्ज और अल्सर की वजूहत क्या है, इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। ओपन और क्लोज सर्किट के दरमियान डायग्राम की मदद वजाहत फर्क वाजह आपने करना है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्विच वगैरह यानी कि ओपन सर्किट, यहाँ पे मेरे पास क्लोज सर्किट आ जाएगा। नेक्स्ट आपने कच्चे दूध से दही तैयार करने के चार अहम मरहल बताने हैं, जवाब आपके सामने शेयर किया जा रहा है। अगर आप लोगों ने बुक से इनके आंसर तैयार किए हुए हैं तो आप लोगों ने बुक से इनके आंसर तैयार करने हैं, अदरवाइज जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है आप लोग ये भी लिख सकते हैं। हाउ डज अ सोलर ओवन वर्क टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपने डिफाइन करना है एस्ट्रॉइड बैलेट की तरफ करनी है, एस्ट्रॉइड कैसे बनते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर नोट लिखे और मसालों से भी आपने इसे बयान करना है। नेक्स्ट हाउ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इज बेनिफिशियल फॉर दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, खादों का इस्तेमाल पौधे की रिश्नुमा के लिए कैसे किस तरह फ़ायदेमंद होता है वो आप लोगों ने बताना है। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के अंदर आंसर आपके सामने मौजूद है और मिक्सर की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा राइट द नेम ऑफ एनी टू आइटम्स रिक्वायर्ड टू असेंबल अ ट्रिप वायर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने सेल की तारीफ करनी है, पौधे जानवरों के सेल की कोई सी तीन मसाले बतानी है और डायग्राम के लेबल के हिस्सों के अपने नाम बताने हैं। क्लासिक साइंस का फाइनल टर्म का गैस पेपर जो आपके सामने हमने शेयर किया है। मजीद ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।